गुड आफ्टरनून बच्चों, आपकी क्लास है फोर्थ। आपका सब्जेक्ट है जीके। जीके में आप आए हैं चैप्टर नंबर 15 में, जिसका नेम है आवर कंट्री इंडिया। आप चैप्टर नंबर 4 में आपकी कंट्री के बारे में जानेंगे कि आपकी कंट्री में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अब हम चैप्टर नंबर 15 में पढ़ेंगे आवर कंट्री इंडिया। कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू इंडिया। चूज योर आंसर फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। देखिए, यहाँ पे सारे स्टेटमेंट्स और इंडिया की तरफ से रेफरेंसेस दिए गए हैं कि कौन सी चीज़ें क्या हैं, वो हम पढ़ेंगे। आपको मैं चैप्टर पढ़ूंगी, वैसे वैसे आपको समझ आएगा, ठीक है? चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना, ठीक है बच्चों? यहाँ पे देखिए सेक्शन ए करके लिखा है, वहाँ पे सारे आंसर्स लिखे हैं, बट मैंने ऑलरेडी आंसर लिखे हैं तो आपको वहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको समझाती हूँ, वो आपको सुनना है, ठीक है बच्चों? नंबर 1, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आंसर लिखा है बट आपने नहीं लिखा था, यहाँ पे डैश रहने देते हैं। इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक, तो कौन सी है बच्चों? कंचनजंगा। कंचनजंगा इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक। नंबर 2, इज द हाईएस्ट डिजर्ट, कौन सा हाईएस्ट डिजर्ट है? थार का डिजर्ट सबसे हाईएस्ट डिजर्ट है। द गंगा रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर, राइट? गंगा नदी दुनिया इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है। वुलर लैक इज़ द लार्जेस्ट एंड फ्रेश वाटर लैक, सुंदरबंस इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा। नंबर 6, कुंचिकल वाटरफॉल इज द हाईएस्ट वाटरफॉल। नंबर 7, मैस्वरम हैज़ द हैवीएस्ट एवरेज रेनफॉल। नंबर 8, नर्मदा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर विच मीट्स द अरेबियन सी। समझ आया बच्चों? ये सारी आपकी कंट्री के लिए, आपके देश के बारे में है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर उसका नाम क्या है, इंडिया का सबसे बड़ा डिज़र्ट कौन सा है। डिज़र्ट मतलब होता है रेगिस्तान, तो सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार डिज़र्ट है जो सबसे बड़ा है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे फ्रेश वाटर लेक कहाँ पर होता है? ये सब आपने पढ़ा। अब हम सेकेंड नंबर पर आते हैं, सेक्शन नंबर 2। देखिए ऑलरेडी आंसर लिखा है बट आप ये समझिए, ठीक है? स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। उत्तर प्रदेश इज़ द मोस्ट पॉपुलेशन स्टेट। यस, उत्तर प्रदेश सिटी जो स्टेट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला वो स्टेट है। सेकंड नंबर, सिक्किम इज़ द लीस्ट पॉपुलेशन स्टेट, सिक्किम में सबसे कम आबादी है। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट, राजस्थान है वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा स्टेट है। एंड गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट, और गोवा सबसे छोटा स्टेट है। नंबर 5, अंडमान एंड निकोबार आयरलैंड इज़ द बिगेस्ट यूनियन टेरिटरी। अंडमान एंड निकोबार है वो सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी मतलब क्या होता है बच्चों? यूनियन टेरिटरी मीन्स कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो। नंबर 6, बिहार इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट। यस, लक्षद्वीप इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी। केरला स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। यस, केरला में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, वहाँ का लिटरेसी रेट आपको पता है बच्चों कितना रेट है वहाँ पे? लिटरेसी रेट वहाँ का 99.9 लोग वहाँ के पढ़े लिखे लोग होते हैं। अब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 3। देखिए यहाँ पे सब लोग सेक्शन नंबर 3, ऑलरेडी आंसर मैंने लिखा है तो आपको बॉक्स देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, ठीक है? स्टार्ट करते हैं फिर। मुंबई इज़ द हाईएस्ट सी पोर्ट। नंबर 2, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट। नंबर 3, टिहरी डैम इज़ द हाईएस्ट डैम। समझ आ रहा है बच्चों? टिहरी डैम इज़ द हाईएस्ट डैम, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। ताज उल मस्जिद भोपाल इज़ द बिगेस्ट मॉस्क्यू। यस। नंबर 5, इंडियन म्यूजियम कोलकाता इज़ द बिगेस्ट म्यूजियम। अरिनगर अन्ना जूलॉजिक पार्क इज़ द बिगेस्ट जू। जू में मतलब क्या होता है, किसी को पता है जू मतलब? जू मीन्स की जहाँ पे
एनिमल्स रहते हैं वो जगह ज़ू। नंबर 7, NH-44 फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी इज़ द लॉन्गेस्ट रोड। NH-44 फ्रॉम श्रीनगर इज़ द लॉन्गेस्ट रोड टू कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर एट इंदिरा गांधी केनाल इज़ द लॉन्गेस्ट केनाल, जो कि पंजाब और राजस्थान के बीच में है। नेक्स्ट इज नंबर डी, ये हमारा लास्ट है। चित्रंजन इज़ द लार्जेस्ट लोकोमोटिव वर्क्स। नंबर 2, द लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन रूट इज़ फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। नंबर 3, द फर्स्ट रेलवे ट्रेन रन बिटवीन मुंबई एंड थाने। नंबर 7, वंदे मातरम एक्सप्रेस इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन। कौन सी ट्रेन सबसे फास्ट है? वंदे मातरम एक्सप्रेस। नंबर 5, द लार्जेस्ट रेन कोच फैक्ट्री एट चेन्नई। नंबर 6, द फर्स्ट इंटरनल पैसेंजर एयर सर्विस वॉज स्टार्टेड बिटवीन कराची एंड मुंबई। नेक्स्ट नंबर 7, टाटा एयरलाइंस वॉज द कंट्री फर्स्ट एयरलाइन। ठीक है बच्चों, आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट फिनिश होता है। ये पूरा चैप्टर आपको नोटबुक में और इस टेक्स्ट बुक में दोनों में लिखना होगा। इसमें कोई पिक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ओनली आपको राइटिंग करनी है। तो ये पूरा चैप्टर आपको नोटबुक में लिखना है और टेक्स्ट बुक में लिखना है, और लिखने के बाद मुझे सेंड करना है। थैंक यू।